नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भाजपा के अंदरूनी कलह की बात तो लगातार आप सुन रहे होंगे। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कैसे भाजपा में अलग अलग गुट बन गए हैं। इन गुटों का गैंगवार इतना फेमस हो चुका है कि अब प्रभारी और अध्यक्ष तक पर गाज गिरनी तय लग रही है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार के समर्थन में एक गुट है, वहीं नीतीश कुमार के विरोध में भी कई गुट बिहार में एक्टिव हैं। कई भूमिहार ब्राह्मण के गुट हैं तो कई अन्य जातियों के। इन गुटों के आपसी प्रतिद्वंदता की वजह से बिहार में भाजपा बोचहा चुनाव हार गई। ऐसा से नेतृत्व को भी अब एहसास हो चुका है। कई नेता लगातार नाराज चल रहे हैं, कई अलग अलग सामाजिक राजनीतिक फ्रंट बन रहे हैं, कई छोटे छोटे जातीय समीकरणों में भाजपा सिमटती जा रही है और इसका ह्रास भाजपा को बड़े वोट बैंक के नुकसान के तौर पर उठाना पड़ रहा है। तो जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा है, वहीं नीतीश कुमार लगातार इस इंतज़ार में हैं कि भाजपा और कमज़ोर होती जाए। बिहार के बाकी विपक्षी दल भी भाजपा के कमज़ोरी को देखते हुए अपनी नई नई चालें चल रहे हैं, लेकिन भाजपा बिहार में फिर से एक बार अपने आप को मजबूत करने की ओर बढ़ रही है। लेकिन उसकी तैयारियों को एक और झटका तब लगा जब गोपालगंज में बरौली से भाजपा विधायक राम प्रवेश राय ने अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का नाम लिए बिना हमला बोल दिया। विधायक राम प्रवेश राय ने कहा कि कैसे आज चपरासी का बेटा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पैसा कमाकर मालामाल हो गया। राम प्रवेश ने कहा कि 5 साल के विधायक रहने के कार्यकाल में उनकी पार्टी के तथाकथित पूर्व विधायक ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई, पटना में जमीन ले ली, बैकुंठपुर में डुमरिया में 3 मंजिला आलिशान मकान बना लिया। ये सब कुछ विधायक रहने के दौरान हुआ। यह बयान राम प्रवेश ने बरौली में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में खुले मंच से दिया। विधायक राम प्रवेश राय बरौली विधानसभा में विधायक हैं। पूर्व में वे पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने क्षत्रिय सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज राजपूत समाज के लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज की उन्हें चिंता है। समाज पर किसी भी तरह की परेशानी आने पर वो इसका डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमला किया अपने ही पार्टी के दिग्गज नेता के ऊपर, कहीं ना कहीं इससे भाजपा के अंदरूनी विवाद फिर से एक बार सार्वजनिक पटल पर आते हैं। उन्होंने पूर्व विधायक के ऊपर जुबानी हमला तो किया ही, साथ साथ पार्टी कार्यकर्ता को चपरासी का बेटा तक बता दिया। विधायक बनने के बाद वो कैसे मालामाल हुए इसका भी पूरा एक्सपोज किया। अवैध तरीके से कैसे संपत्ति उन्होंने खड़ा की, पटना में कई जगह जमीन कैसे ली। राम प्रवेश राय ने ये तक बता दिया कि डुमरिया स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शिक्षण संस्थान में उसे अध्यक्ष बनाया गया, तब भी वहाँ भी नहीं माना, उस पर भी अध्यक्ष के कार्यकाल में 50 लाख रुपए का घोटाला किया, जिसकी जांच निगरानी विभाग लगातार कर रही है। राम प्रवेश राय ने कहा कि तथाकथित भाजपा नेता ने समाज में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की, वह समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता, इसलिए पिछली बार वो चुनाव भी हार गए जबकि पार्टी ने उनकी काफ़ी मदद की थी। तो समझ लीजिए, एक तरफ जहाँ भाजपा बिहार में विवादों को समाप्त करना चाह रही है, जदयू समेत कई विभिन्न पार्टियों से लगातार उसका अनबन चल रहा है, मांझी जी हो या मुकेश सहनी का प्रकरण हो या जदयू के साथ ही दो दो हाथ करने हो, लगातार भाजपा इन मुद्दों पर अड़ी हुई है, लेकिन अपनी ही पार्टी में जो विवाद है उसे वो समाप्त नहीं कर पा रही है। अब जो ये नया विवाद शुरू कर दिया गया है, इसका रूप क्या लेता है ये आगे चल के, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल भाजपा के अंदरूनी गैंगवार को कहीं ना कहीं ये विवाद एक्सपोज करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।